स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज हम लेकर आए हैं कि आज की शिफ्ट में पटवारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या प्रश्न रहे हैं आज के। लेकिन शुरुआत करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए फटाफट ज्ञान के साथ, ताकि आपको हर रोज़ एक नई न्यूज़, एक नई जानकारी जॉब से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो आपका केन घरियाल अभ्यारण्य है वो कहाँ पे। ठीक है, तो केन अभ्यारण्य से जुड़े काफ़ी सवाल पटवारी परीक्षा में पूछे गए हैं और 2 दिन और बाकी हैं। तो आशा करती हूँ कि जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनका भी बेस्ट ही जाए और अच्छा रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है जो है छतरपुर पन्ना। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो जनजाति विश्वविद्यालय है आपका अमरकंटक में। ठीक है, अमरकंटक में आपका जनजाति विश्वविद्यालय बना हुआ है। 42वां संशोधन किस सन में आया, तो 42वां जो संशोधन आया था 1976 में आया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो राज्य अपना है वो है राजस्थान। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के जो पंचायत मंत्री है वो गोपाल भार्गव है। तो मंत्रियों से संबंधित भी बहुत से प्रश्न आए हैं। ये भी आया है कि स्वतंत्र प्रभार किसके हाथ में है, या कृषि संबंधित जो कई नीतियाँ बनाई गई थी उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए। लगभग पटवारी परीक्षा में अभी तक जो शिफ्ट हुई हैं उनमें पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक रहा है जो हर किसी को परेशान करता रहा है। अब 2 दिन और बचे हैं तो देखते हैं कि कैसा आता है उनका पंचायती राज से संबंधित। चलिए, कौन सी भारतीय फिल्म 2018 के ऑस्कर में नामांकित हुई है, न्यूटन। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1 जुलाई 2005 को। मृदा परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये है आपका छतरपुर में। ठीक है, छतरपुर में आपका मृदा परीक्षण केंद्र है। इसके बाद हरित क्रांति से कौन सी फसल प्राप्त हुई है, तो गेहूं। मतलब सबसे ज़्यादा सफलता गेहूं को मिली है और गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में जो उगाया जाता है वो पंजाब के क्षेत्र में उगाया जाता है। हरियाणा, पंजाब ये गेहूं के सबसे ज़्यादा उगाने वाले क्षेत्र हैं। आगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। ठीक है, आगे एक हिंदी साहित्य कवि हैं, अगे जी हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको अगे के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे, भारतीय वन्य जीव संस्थान है इन देहरादून में। हरदा में कौन सा किला नहीं है, तो हरदा में देवगढ़ का किला नहीं है। तात्या टोपे को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो ये फांसी दी गई थी उन्हें 18 अप्रैल 1849 या 59, 18 अप्रैल को दी गई थी। और तात्या टोपे की जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, वो बनी हुई है शिवपुरी में। ठीक है, भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ, तो पहला जो झंडा सत्याग्रह है वो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ हुआ था झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की परीक्षा में पूछे गए हैं और क्वेश्चंस भी पूछे गए होंगे। और अभी मेरे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं और मैथ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया है कि पटवारी परीक्षा में मैथ से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि एक दो वीडियो और आपको डाल दूँ। और इसके अलावा संविदा शिक्षक की तैयारी मैंने चालू करवा दी है, तो अगर आप भी संविदा की तैयारी कर रहे हैं या संविदा शिक्षक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए फटाफट ज्ञान के साथ। और आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।